अगर आप लोगों को पता है तो ओप्पो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है चार्जिंग स्पीड के मामले में, और ओप्पो का फास्ट चार्जर जो 65 वाट का पहले आता था और अभी भी आता है जनरली, और 60 वाट का जो आता है वो बहुत जल्दी आपका स्मार्टफोन चार्ज कर सकता है, मतलब एकदम फास्ट। और वन प्लस भी बहुत फास्ट, और जनरली आपको पता होगा कि ओप्पो वीवो और वन प्लस एक ही ब्रांड के हैं जो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सारे के टेक्नोलॉजीज बहुत मिलते जुलते हैं, एक साथ मिलके लॉन्च कर देते हैं। सो वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज अंकित वर्मा, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज हम बात करेंगे ये ओप्पो के चार्जर्स का टेक्नोलॉजी के बारे में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग बहुत सारे चार्जर्स देखते हैं, मतलब क्वालकॉम अपना चार्जर बनाता है और ओप्पो अपना चार्जर बनाता है, 125 वाट का चार्जर लेके आ रहा, बहुत फास्ट चार्जिंग होने वाला है 120 वाट का। हम लोग थोड़े दिन पहले रियलमी का टीज़र भी देखे थे कि 120 वाट का आने वाला है, और अभी एक 110 वाट का भी आने वाला, 65-75 वाट और पता नहीं कितने वाट का आने वाला है। तो ओप्पो बहुत सारे चार्जर्स लॉन्च कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आपका ये जो 125 वाट वाला चार्जर है इससे आपका फ़ोन नॉर्मली जो चार्ज होता है उससे बहुत फास्ट चार्ज होने वाला, आपका 3 मिनट में फ़ोन 33% चार्ज हो जाएगा, और आपका 20 मिनट्स में फ़ोन पूरा फुल, और आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन को डायरेक्ट चार्जर में लगाते ही चार्ज हो जाए, और उससे भी फास्ट, वो कभी चार्ज मांगे ही ना, हमेशा चार्ज ही रहे, अपने आप चार्ज होते रहे, मतलब चार्ज जैसे गिरा और थोड़ा देर यूज़ ना करो फुल फ़ोन चार्ज हो जाए, वैसा टेक्नोलॉजी है तो क्या मस्त मज़ा आ जाए, लाइफ बन जाए। ये फास्ट चार्जर का प्रोज एंड कौन सी हो गया कि मैं बताने वाला हूँ अभी, कि आप अगर नॉर्मली मैं अभी वन प्लस का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इससे बाद कुछ और फ़ोन भी आते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं जनरली मार्केट में, अभी आपका वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, तो इन लोग 65 वाट, 45 वाट और बहुत सारे चार्जर्स है। तो ये जनरली चार्जर से आपका फ़ोन जो चार्ज होगा वो थोड़ा फास्ट चार्ज होगा, लेकिन आपका बैटरी पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो कंपार्टमेंट्स में भी डिवाइडेड होते हैं बैटरी की, एक साथ इतना 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 चार्ज होगा। तो अभी जो 125 वाट वाला चार्जर है उससे आपका बैटरी चार्ज तो होगा, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा बहुत जल्दी, बैटरी आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि लिए आई नो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करके दिए होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका बैटरी ख़राब बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि लिए बार बार रैपिडली जो फास्ट चार्जिंग होते रहेगा 4000 mAh का बैटरी, तो आपको पता ही है एक बार में फटाक फटाक से चार्जर का यूसेज बढ़ते रहेगा, क्योंकि ज़्यादा जल्दी चार्जर का आदमी ज़्यादा यूज़ करेगा ही नॉर्मल आदमी, और गेमिंग वेमिंग ज़्यादा करेगा तो फ़ोन गरम वरम तो नहीं होगा, लेकिन आपका फ़ोन जनरली बैटरी में इफेक्ट आएगा, क्योंकि बार बार यूज़ करने से हम लोग का, और बार बार चार्ज करते रहेंगे हम लोग इतने जल्दी जल्दी, तो इफेक्ट आएगा, और चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा रैपिडली हम लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि हम लोग का फ़ोन चार्ज बहुत जल्दी ख़त्म भी होगा इस चक्कर में कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे फ़ोन, और यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हम लोग का जनरली, तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है फ्यूचर। अब वो आपके ऊपर में कितना यूज़ करें कितना यूज़ ना करें, कितना बार चार्ज करें कितना बार चार्ज ना करें, क्योंकि दिन भर में 2 बार की जगह 4 बार कितने बार आदमी चार्ज करेंगे, 5 बार चार्ज करेंगे, वो तो अभी भी करते हैं जो गेम खेलते हैं। तो यही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक का बटन दबा दो, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल वाले बटन को क्लिक करके चला जाओ, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही 1-2 वीडियोज लाता हूँ टेक के ऊपर में थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए। सो बाय, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।